हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो हम लोग जानने वाले हैं विंडो 4 के अंदर जो हमने पुराना वोकल डाला था इसके अंदर BM-800 के माइक से रिकॉर्ड करके उनके ऊपर हमारा ये दूसरा अंतरा का मिक्सिंग है दूसरे इफेक्ट से। ठीक है, पहला इफेक्ट और दूसरा इफेक्ट से मैंने मिक्स करा था, मतलब हर मुखरे में मैंने अलग इफेक्ट से मिक्स करा था और अंतरे में मैंने अलग इफेक्ट से मिक्स करा था। और ये दूसरा अंतरा है तो हम इनको फिर अलग इफेक्ट से मिक्स करके देखेंगे क्या ये उनसे ज़्यादा बेहतर बन पाता है या नहीं। तो वीडियो को कंप्लीट शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आप कंप्लीट रूप से सीख सके। म्यूजिक से जुड़ी आगे आने वाली सारी वीडियोस को देखने के लिए मेरा यूट्यूबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाते समय सेलेक्ट करें ऑल नोटिफिकेशन ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो यहां पे देख सकते हो आप, मैंने टेम्पो लगा दिया है 100 का और इसका स्केल जो था वो हमारा था F माइनर और मेजर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था, तो F क्रोमेटिक था। तो हम एक बार इनको सुनते हैं सबसे पहले, ठीक है, ताकि आपको क्लियर पता चल जाए कि ये हमारा दूसरा अंतरा जो है उसी का रिकॉर्डिंग किया हुआ है उसी माइक का। तो चलिए सुनते हैं। सपना सजा के देखो कलू नहीं पूरा, सोचल सपन हमर रहल अधूरा। तो आप देख सकते हो ये हमारा जो है दूसरा अंतरा है और पहला और दूसरा का वीडियोस आप देख सकते हो चैनल पे जाके, दूसरा है वही BM-800 के माइक से रिकॉर्डिंग किया हुआ है। तो हम सबसे पहले इसके अंदर स्केल डालेंगे, तो स्केल यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑटो ट्यून 8 लगाते हैं इसके अंदर। 8 लगाने के बाद F, और F लगाने के बाद इसको क्रोमेटिक और सिलेक्ट ऑल और रिटर्न स्पीड, इसमें अप्रॉक्स कितना काम कर रहा है वो देखते हैं। उसमें हमारा शायद 5-6% किया था बट हमने ऑटो ट्यून दूसरा लगाया था। अभी ऑटो ट्यून 8 में देखते हैं कौन सा वर्क कर रहा है, कितना परसेंट वर्क कर रहा है। चलिए प्ले करके सुनते हैं और इसे फिट करते हैं रिटर्न स्पीड को। सपना सजा के एको कैलू नहीं पूरा, सोचल सपन मा हमर रहल अधूरा। सपना सजा के एको कैलू नहीं पूरा, सोचल सपन मा। तो आप देख सकते हो रिटर्न स्पीड 9 भी ज्यादातर वर्क नहीं कर रहा है, तो रिटर्न स्पीड 10 पे डाल के देखते हैं एक मिनट। सपना सजा के एको कैलू नहीं पूरा, सोचल सपन मा हमर रहल अधूरा। तो अभी हमारा ऑटो ट्यून फिट हो चुका है, जो हमारा ऑटो ट्यून 8.1 है, F क्रोमेटिक और रिटर्न स्पीड 10। यहाँ पे सेप्रोक जगह पे ऑटो कर सकते हो टीनर, और यहाँ पे साइन वेव कर सकते हो। ये सारी चीजें उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट अगर आप इसमें भी थोड़ी बहुत छिड़कानी करते हो तो इम्प्रूवमेंट आ सकती है। बट ऑटो ट्यून हमारा जो मेन है वो यहाँ और यहाँ और यहाँ, यही तीन है और इससे ही हमारा काम हो जाता है। तो हम ज़्यादातर इसमें कुछ नहीं करते हैं बट इतना ही कर लेते हैं। अगर आपका वर्चुअल डीजे कुछ ज़्यादा बता रहा है, जैसे कि 1 डिले बता रहा है, पिच बता रहा है, तो आप इस तरीके से यहाँ भी सेट कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ें अगर आपको लगानी हो तो ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी, बट मैं यहाँ पर उतना ज़्यादा चीज़ नहीं करूँगा। नॉर्मली जिस तरीके से हमारा स्केल और ये बताता है वर्चुअल डीजे वैसा ही हम फिट करते हैं। बाकी अगर आप चाहो तो ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो। इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ से FX बना के, तो FX हम इसके अंदर डालेंगे एक रूमवर्क्स ऐसी रिवर्व के अंदर से। और ये अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि मैं कैसे डाल रहा हूँ इसके नीचे में, तो आप एक काम कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोज़ का लिंक, सारे बेसिक का वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन देख के आप सारी वीडियोज़ देख कर आसानी से इसे चलाना सीख सकते हो। यहाँ पे हम रूमवर्क ऐसी में जाके सिंगल डिले सेलेक्ट करेंगे और सिंगल डिले सेलेक्ट करने के बाद इसे कट करेंगे। दूसरा एड एफएक्स चैनल ट्रैक करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे रिवर्ब के अंदर से एक, यहाँ पे आर भर्ब मोनो स्टीरियो। ये थोड़ी सी पावरफुल सॉफ्टवेयर है तो ओपन होने में समय लेगा, तो हम इसको ओपन होने देते हैं और फिर देखते हैं। ये ओपन हो चुका है, इसे कट करते हैं और एक यहाँ पे डालेंगे हम डिले, और डिले हम डालेंगे पिंग पोंग का, तो पिंग पोंग डिले के अंदर से जाके डालेंगे। बेसिक का सारा वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, तो इसलिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट करो। डिस्क्रिप्शन में आप वीडियोज देखकर इसे चलाना आसानी तरीके से सीख जाओगे। यहाँ पे हम इसका आउटपुट देंगे सेंड्स के अंदर, रूमर के एसी का और आर वर्ब का, मोनो स्टीरियो का और पिंग पोंग डिले का। इसको हम करते हैं सॉन्ग प्ले करके फिट। सपना सजा के एको कैलू नहीं पूरा, सोचल सपन मा हमर रहल अधूरा। डिले इसमें थोड़ा बहुत आने लगा है, देख सकते हो आप। सपना अगर आप ध्यान से सुनोगे तो ये इसमें डिले आ चुका है, देखो।
सपना सजा के एको कैलू नहीं पूरा, सोचल सपन में हमर रहल अधूरा। तो इसमें डिले आ चुका है जो कि काफी अच्छी बात है। हम इसको ऑन करेंगे फर्स्ट और टू को, और इसको थोड़ी सी इसके ऊपर जाएगा ये सिक्स पे, और इनको भी हम थोड़ा सा इस तरीके से थ्री पे डालेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसका EQ करेंगे। चलिए प्ले करके देखते हैं। सपना सजा के एको कैलू नहीं पूरा, सोचल सपन में हमर रहल अधूरा। तो काफी बेहतर है, यहाँ पे देख सकते हो EQ भी काफी अच्छे तरीके से हो चुका है। अब इसके अंदर डालेंगे फ्लाइंग्स, तो फ्लाइंग्स हम यहाँ पे डालेंगे। सबसे पहले देखते हैं कौन सा फ्लाइंग्स इसके अंदर डाले। सेल्ले का बेस डालते सबसे पहले इसके अंदर, मोनो स्टूडियो वाला बेस डालेंगे, और उनसे ज्यादा बेहतर लगना चाहिए जो हमारा पहला था, उनसे ज्यादा बेहतर लगना चाहिए। पहला और दूसरा से ज्यादा बेहतर लगे इतना हम करते हैं। स्टार्टअप में करेंगे, इसे कट करेंगे। सेल्ले हम यहाँ पे और डालेंगे, एक सेल्ले क्षेत्र स्टूडियो, और इसे हम व्हाइट करेंगे यहाँ से। ये सारी बेसिक का वीडियो, आप अगर चैनल को फॉलो नहीं कर रहे तो शुरू से फॉलो करो, आपको समझ में आएगा। यहाँ से हम एक API डालेंगे। API डालने के बाद इसको नॉर्मली हम यहाँ फुल डिसेट की जगह पे PA डिफॉल्ट करेंगे, इसे कट करेंगे, और एक और डालेंगे डायनामाइक मल्टीबैंड के अंदर से LIN MB मोनो डाल लेते हैं, स्टूडियो नहीं डालेंगे, मोनो ही डाल के देखते हैं इसमें। और हो सकता है तो यहाँ पे हम प्रीसेट को चेंज करेंगे, बेसिक मल्टी करके देखते हैं ये राइट रहेगा इसके लिए। ज़्यादा नॉइज ना आए इस बात का भी ध्यान रखना है, तो नॉइज आई थिंक नहीं आ रहा है उतना ज़्यादा अभी। इसके अंदर एक गिटार के अंदर से डालेंगे GTR मोनो स्टूडियो, अगर होगा GTR का तो GTR AMP मोनो स्टूडियो है, तो हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पे, और इसमें ज़्यादा नॉइज आने लगा है। तो एक काम करेंगे, इसे कट करेंगे और इसे हटा ही देंगे EQ, और एक यहाँ पे डाल देते हम यहाँ से RC कंप्रेसर या वेंटेज कंप्रेसर। ठीक है, ये वाला भी कंप्रेसर काफ़ी हार्ड है, और हार्ड पियानो इसके अंदर करेंगे तो नॉइज़ आ रहा है यार। तो एक काम करेंगे, इसके अंदर दूसरा प्रीसेट देखते हैं जो हमारा नॉइज़ ना आए, काफ़ी नॉइज़ दे रहा है ये, कोई भी प्रीसेट वर्क नहीं कर रहा है। और रॉक बेस वर्क कर रहा है यहाँ पे देख सकते हो, रॉक बेस उतनी ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा है, फिर भी रॉक मास्टर तो रॉक बेस वर्क कर रहा है, बट उतनी ज़्यादा नहीं कर रहा है, फिर भी नॉइज ये हमें दे रहा है। कट करेंगे, इसको भी कट करेंगे। एक यहाँ पे डालेंगे मोनो डिले और मोड मशीन, तो मोनो डिले यहाँ पे हमने डाला, और इसको यहाँ पे कर देते हैं 10%, और एक डालेंगे हम इसके अंदर से मोड मशीन, डिले के अंदर से मोड मशीन, और यहाँ पे हम लगा लेंगे इको फैक्स, और यहाँ डिले को ऑन करेंगे, ये डिले वाला को, और यहाँ पे टिक करने के बाद ऑन होगा ये, और 1/8T है, इसको 1/2 करेंगे, और यहाँ पे करेंगे 35 राइट रहेगा, और इसको भी ऑन कर देते हैं यहाँ से टिक करने के बाद, नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम अभी कट करेंगे, और एक इसका मास्टरिंग कर लेते हैं, और जाके आवाज़ ज़्यादा खिले। इसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक काम कर सकते हैं, डिवाइस के अंदर जाएंगे, और डिवाइस के अंदर जाने के बाद एक काम करेंगे, डिवाइस में मिक्सर F3 प्रेस करके भी आप डायरेक्टली इसे ओपन कर सकते हो, और ये एडिट आउटपुट चैनल सेटिंग को ओपन करके यहाँ पे मिक्स मैजर डाल सकते हो। मिक्स मैजर काफ़ी अच्छा रहेगा, बट नॉइज़ भी काफ़ी अच्छा दे रहा है, देख सकते हो नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो आउटपुट को कम करेंगे, ये देखो आउटपुट अगर शेयर मास्टर का बढ़ाओगे आप, देखो आउटपुट बढ़ा हुआ है 6%, तो इसमें काफ़ी नॉइज आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसका आउटपुट कम करोगे, यहाँ से 10% इसके अंदर करा, तो इसका नॉइज लगभग चले जाएगा। ठीक है, और चले जाने के बाद इसे कट करेंगे, इसको भी कट करेंगे और सुनेंगे इसको हम। सपना। तो डिले देख सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा आ चुका है इसके अंदर, तो डिले हम, बट ये वोकल्स हमारा सही हो चुका है, डिले थोड़ी सी ज़्यादा आ रहा है। तो डिले को हटाने के लिए हम यहाँ पे मोड मशीन को सही कर लेंगे, मोड मशीन को यहाँ पे हम करते हैं 10%, और देखते हैं, फिर भी डिले आ रहा है ज़्यादा थोड़ा सा। तो एक काम करेंगे, मोनो डिले को हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5%, ठीक है ये,
और चलिए इसको प्ले करके सुनते हैं कंप्लीट यहां तक। सपना सजा के एको कैलू नहीं पूरा, सोचल सपन मा हमर रहल अधूरा। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते समय सेलेक्ट कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन मेल, तो आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।